दोस्तों गंगा किनारे इतने मांगने वाले बैठे हुए हैं कि उनको देने के लिए मैंने पैसे तोड़ाए और 2 मिनट लगे, ऐसे हाथों से छीने झपटी कर रहे थे वो पैसों की कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने जो है 20 रुपये के छुट्टे लिए थे और जो 20 रुपये सब हाथ से छीन के ले गए मेरे। अब दोस्तों हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, गंगा में प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम मेले के अंदर चलते हैं और मेले के अंदर के दृश्य दिखाते हैं आपको चौबारी मेले के, कि यहाँ क्या क्या है, कौन कौन से झूले हैं, क्या क्या सामान बिक रहा है, लोग क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं, पूरे मेले के जो है आपको दृश्य कराएंगे, दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे लोग किस तरह से जो है यहाँ मेले का एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों मैं अकेला आया हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए, आप समझ सकते हैं मेरे साथ कोई भी नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ में हो सकता है क्लैरिटी कम हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लें, बहुत दूर से आया हूँ आपको ये मेला दिखाने के लिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मेले के अंदर और आपको मेले के अंदर के देखा आपने। दोस्तों मेले में ऐसे डांस वाले बहुत लोग हैं जो डांस कर करके जो है पैसे मांग रहे हैं, कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, इन्हें इस तरह काफ़ी लोग मैंने दिखाया आपको, पीछे भी दिखाए थे, काफ़ी लोग हैं इस तरह के जो है डांस कर करके जो है मांगते हैं लोगों से पैसे। बहुत प्राचीन स्टाइल है इस तरह का डांस। आपने दोस्तों एक फिल्म देखी होगी नदिया के पार, उसमें भी इस तरह का जेंट्स जो था वो बना हुआ था लेडीज और डांस कर रहा था उस गाने में, होली वाले सीन में आपको ध्यान होगा, तो वही लोग हैं ये इस तरह का जो है डांस करते हैं, आदमी होते हैं ये और लेडीज़ के कपड़े पहन के लेडीज़ बन के जो है डांस करते हैं और पैसे मांगते हैं। अब हम गंगा किनारे से दोस्तों रोड पे आ रहे हैं, रोड से मेला जो है यहाँ से गंगा किनारे थोड़ा अंदर लगता है और काफ़ी बड़े एरिया में है, आप देख सकते हैं ये राउटियाँ लगी हुई हैं, इन राउटियों में लोगों ने दुकान लगाते हैं, इसी में रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन से आए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें देखिए। जैसे कि बांसुरी बिक रही है, मीना बाजार की दोस्तों बच्चों की दुकानें सबसे ज़्यादा हैं मेले के अंदर, आप देख सकते हैं ज़्यादातर लेडीज़ सामान की दुकानें ज़्यादा हैं और बच्चों के खिलौने वगैरह ज़्यादा बिक रहे हैं यहाँ पर। खाने पीने में चाट पकौड़ी, टिक्की, बतासे, गोलगप्पे, जलजीरा, ये ज़्यादा आइटम है। मेन मेला दोस्तों चौबारी में लगता है, गंगा किनारे से जो चौबारी की रास्ता जा रही है, ये किनारे की दुकानें साइडों की दुकानें हैं वहाँ चौड़ाई तक पहुँचने में लगी है, लेकिन मेन मेला जो है बड़े बड़े झूले और सर्कस वगैरह जितने आइटम हैं बड़े बड़े वो सब चौबारी में ही लगते हैं। हम यहाँ गंगा किनारे से रोड किनारे किनारे चौबारी जा रहे हैं, आपको दिखाएं हैं, देखिए जलजीरा, ये जलजीरा बिक रहा है, जो जल तो कम है, जल ही जल दिख रहा है, कलर लगा हुआ है इसके अंदर। ये भैया देखिए हाथों में आपके जैसा चाहें
आप वैसा जो है ये टैटू बना सकते हैं आपके हाथ में। भैया कितने पैसे लेते हो? एक अक्षर के 10 रुपए। जैसे हमें महादेव लिखाना है तो कितने को? 40 रुपए हो गए। आइए राम जी वाला पर एक हमारे देसी शिव दवाखाने में वैद्य जी को नाड़ी दिखाएं। नाड़ी दिखाने की फीस केवल 20 रुपए है। उक्त रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेशाब में धात पड़ना, शीघ्र पतन, लिंग की नसों में कमजोरी, धूलापन, शुक्राणु की कमी होना। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये सामने जो राउटी टाइप की लगा रखी, टेंट टाइप पे लगा रखे हैं। ये लोग काफ़ी दिनों से आए हुए होते हैं, 3-4 दिन से, और यहीं टेंट लगा के रहते हैं। इनकी दुकानें लगी होती हैं, ये दुकानें नहीं होती हैं, तो घूमने के उद्देश्य दूर से आते हैं, तो इस तरह टेंट लगा के ये लोग यहाँ पर रुकते हैं। अलीगढ़ के मशहूर कितने की भैया? ये है 150 रुपए का। कितने रुपए का है ये? 20 रुपए का जोड़ा। 10 रुपए का एक? 20 रुपए का एक। अच्छा 30 रुपए का जोड़ा? अच्छा 20 का एक है, 30 रुपए का जोड़ा है। चलो चलो।